तो झारखंड में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। डीवीसी कमांड एरिया वाले 7 जिलों बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरडीह और धनबाद में स्थिति ज्यादा गंभीर है। इन इलाकों में अगर मांग की तुलना में बात करें तो वहां पर आधी बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में 6 से 7 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। वह इस मामले पर झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों का कहना है कि डीवीसी कमांड एरिया में मांग की तुलना में आपूर्ति लगभग आधी रह गई है। जल्द ही आपूर्ति दुरुस्त हो जाएगी और 2-3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। तो जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की कटौती भी बढ़ गई थी, अब लेकिन यहाँ पर झारखंड में एक बार फिर से बिजली को लेकर के जो संकट है वो गहराता जा रहा दिख रहा है और लगभग 7 से 8 घंटे बिजली गुल रह रही है। अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों से ज्यादा बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्रों का है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। आशुतोष, झारखंड में लगातार बिजली संकट गहराता जा रहा है। मैं बता दूं कि डीवीसी कमांड एरिया के जो जिले हैं, 7 जिले अगर प्रमुखता से लें तो इस पर रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, हजारीबाग, इन जिलों में जो है जो डीवीसी में जो तकनीकी खराबी आई है उसके कारण जो है इन जिलों में बिजली की कटौती की जा रही है। इसके अलावा जो और इन जिलों में जो है जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी जो है 8 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उससे थोड़ा ज़्यादा किसी किसी जिले में 10 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। लेकिन डीवीसी के जो कहा जाए जो पीआरओ हैं उनका कहना है कि जो तकनीकी खराबी आई है उसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा, कुछ हद तक उस पर काबू पा लिया गया है और 1 से 2 दिनों में ये जो है बिजली जो है निर्बाध जो है आपूर्ति जारी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करूँ तो मानसून आने के साथ ही जो है परेशानियाँ भी लेके आती है और जो अन्य जो जिले हैं 3-4 जिले जिसमें गुमला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, इन जिलों में जो है लोकल जो फॉल्ट है जो बारिश के कारण जो लोकल फॉल्ट आते हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है उसमें जो लोकल फॉल्ट आते हैं या अन्य तरह के जो फॉल्ट आते हैं उसके कारण भी जो है बिजली की जो है 8 से 10 घंटे कहीं बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। यहाँ पर तो अभी डीवीसी कह रही है कि वहाँ पर टेक्निकल कुछ दिक्कतें हुई उसके कारण बिजली नहीं मिल पा रही, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था बिजली विभाग की ओर से कि वहाँ पर बिजली की खपत ज्यादा हो रही है इसलिए कटौती करनी पड़ रही है, लेकिन अब मानसून आ गया तो मानसून के कारण एक और नया बहाना आ गया। इन सब में आम लोगों को ही इस चीज का कह सकते हैं झेलना पड़ रहा है। जी कहीं ना कहीं इसमें तो आम लोग ही सफ़र करते हैं, चाहे वो किसान हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम लोग हों या छात्र हों, उन लोगों को ही सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि आज के जब युग की बात करूं तो बिजली एक बहुत एक कहा जाए जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता। शहरों की बात करूँ तो बिजली नहीं है तो पानी नहीं मिलेगी, मोटर नहीं चलेगा, पानी नहीं मिलेगी, किसान है तो उनको जो है खेतों में पटवन करने के लिए भी बिजली की आवश्यकता है। तो बिजली आज के ज़माने में कहें तो एक अभिन्न अंग है और बिजली अगर नहीं तो कहा जाए कि जी। और यहाँ पर जो टेक्निकल खराबी की बात कर रहे हैं आशुतोष की, मॉनसून के कारण जो टेक्निकल खराबी आई है और लोगों को बिजली कम मिल रही है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हर बार हर साल मॉनसून आता है तो कह सकते हैं कि डीवीसी इसके लिए तैयार ही नहीं रहती है। जी कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो रही है और टेक्निकल फॉल्ट है, मशीनें चलती हैं तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आना स्वाभाविक है। क्योंकि जो भी थर्मल पावर हो जैसे डीवीसी का अगर बात करें तो वो थर्मल ही है तो उसमें जो तकनीकी खराबी आने की संभावना रहती है। क्योंकि 2400 घंटा अगर मशीन चलेगा तो कभी उसको आराम भी चाहिए और खास करके अगर मानसून के समय में ज़्यादा ही परेशानियाँ आती है तो इसके कारण जो है ये समस्या आ रही है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो झारखंड में मॉनसून आते ही एक बार फिर से बिजली का जो संकट है वो गहरा गया है और 7 से 8 घंटों तक बिजली जो है वो गुल रह रही है और डीवीसी का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण बिजली की कटौती करनी पड़ रही है।